पूरे राज्य में आज कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर किसान न्याय यात्रा व विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। इसी कड़ी में इस यात्रा की भोपाल में जिम्मेदारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट से विधायक अजय सिंह राहुल को दी गई है। भोपाल के ग्रामीण अंचल ग्राम रातीबड़ से विशाल ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व अजय सिंह राहुल ने किया। रातीबड़ से शुरू हुई विशाल ट्रैक्टर रैली भोपाल में किसान न्याय यात्रा रैली की शुरुआत और रातीबड़ से की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें कलेक्ट्रेट पहुँचने से पहले ही सूरजनगर चौराहे पर रोक लिया गया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए 6 लेयर की बैरिकेडिंग की थी। हालांकि विशाल ट्रैक्टर रैली में भोपाल और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सम्मिलित हुए। इस ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व कर रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सोयाबीन की SP 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग पूरे प्रदेश में किसान कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है। किसानों के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और प्रशासन चाहे हमें कितना रोकना चाहे लेकिन हम रुकेंगे नहीं। किसान भाइयों के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हर जिले के किसान भाइयों के लिए आह्वान किया है और हर जिले में न्याय यात्रा निकल रही है। किसानों के समर्थन मूल्य के लिए जो उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा की थी उसको क्रियान्वयन करने के लिए मैं हम लोग कोई नई बात नहीं कर रहे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोषणा की थी सिर्फ उसका क्रियान्वयन करा दें, इसके लिए किसान भाई जमीन में सड़क पर उतरे। सर, आपने कहा कि लगातार इस प्रकार का प्रदर्शन होता रहेगा जब तक इनकी मांगे नहीं मानी गई। जी, यदि किसान भाइयों के साथ न्याय नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी हर दम हर समय किसान भाइयों की लड़ाई लड़ती है। सब जगह रुका जा रहा है, पुलिस जो है वो उसके बल को लगाया गया, कांग्रेस के इंदौर में परमिशन नहीं दी गई। सूरजनगर तिराहे पर जो आप ये बैरिकेटिंग देख रहे हैं यहाँ रोका जाएगा, इसके आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया जाएगा ट्रैक्टर रैली को। और यहाँ पर जो इनकी मांगे हैं उसके संबंध में जो ज्ञापन देना चाहते हैं तो ADM महोदय यहाँ पे ज्ञापन लेंगे उनसे।